कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल क्या होते हैं? दिस बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्वेश्चन अमॉन्ग ऑल द स्टूडेंट्स राइट नाउ, नो मैटर व्हिच एवर ग्रेड और बोर्ड दे आर फ्रॉम। तो चलो इस बात को क्लियर कर देते हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल वो होते हैं जहां पर आपको रट्टा मारने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, आपको चीजें समझ कर ही लिखना पड़ेगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका होता है MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जहां पर रट्टा मारकर आप स्टेप्स वगैरह फॉलो करके नहीं लिख सकते हो, आपको सवाल को सॉल्व करना ही पड़ेगा ताकि आप सही ऑप्शन चूज कर सको। दूसरा होता है एसेशन रीजनिंग क्वेश्चन, जहां पर भी आपके पास ऑप्शन होते हैं टू चूज वेदर एसेशन इज राइट, रीजन इज राइट और व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन, वहां पर भी रट्टा मारने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तभी आप चूज कर पाओगे कि एसेशन और रीजनिंग सही है कि नहीं। तीसरा होता है केस बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन में भी आपको एक पैसेज दे दिया जाता है और उस पैसेज के बेसिस में आपको सवाल के जवाब लिखने होते हैं, तो वहां पर भी रट्टा मारने का कोई फायदा नहीं है कोई भी सब्जेक्ट कोई भी चैप्टर, क्योंकि आपको जवाब उस केस बेस को पढ़कर ही लिखना होता है। तो ये डिफरेंट वैरायटीज ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, आपको क्लैरिटी मिल गई होगी मेरे ख्याल से। अगर आपको इन सारे सीरीज में कोई भी हेल्प चाहिए तो सारे के सारे लिंक्स आपके पिंड कमेंट में जाए, चेकआउट करिए और हर एक चैप्टर का हर एक सब्जेक्ट का इन सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवालों को सॉल्व करिए।